हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स किचन बाय शालिनी। आज हम बना रहे हैं यहाँ पे ये वेजिटेबल नूडल्स, बच्चों की, बड़ों की, सबकी फेवरेट, इजी एंड हेल्दी। चलिए फिर फटाफट से इसको शुरू करते हैं कैसे बनाना है। पानी लिया मैंने यहाँ पे, अच्छे से पानी लीजिएगा, फिर उसमें थोड़ा सा नमक डालिए। एक उबाल आने तक इस पानी पे हम ऐसे उबाल लिया इसे मैंने पानी को। अब इसमें मैं नूडल्स ऐड करूँगी, कोई भी नूडल लीजिए आप। इसमें देखिए ऐसे ये धीरे धीरे से, जैसे जैसे इसमें मॉइस्चर आएगा पानी से, ये मुलायम पड़ जाएंगी और आराम से ये पानी के अंदर ऐड हो गई। आप लंबी ही चाहेंगे कि लंबी लॉन्ग स्टिकी सी रहे, इसीलिए इसे तोड़िएगा नहीं, एज इट इज़ डाल के पकाइएगा। अब हमें सिर्फ इसे 80% ही पकाना है, पूरा 100% नहीं पकाना है, नहीं तो ओवर कुक हो जाएगा। इसका पानी हटा के मैं इस तरीके से जाली पे रख लूँगी। इसको जब हटा लिया तब ठंडे पानी से इसे मैं धुल लूँगी ताकि ये चिपचिपी सी ना रहे। जब हम इसे अच्छे से ठंडे पानी से धुल लेते हैं तो एक तो इसका पकना बंद हो जाता है उसी समय, जितनी हमें चाहिए ये उतनी पकी हुई है, चिपचिपी नहीं रहेगी, पानी से धुल देंगे तो इसका स्टार्च सारा निकल जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं, जैसे जैसे ठंडी होगी चिपकेगी, तेल लगा रहेगा तो आपस में चिपकेगी भी नहीं। अच्छे से इसे ऐसे उलट पलट के मिक्स कर लिया। अब हम पैन में तेल गरम करके वेजिटेबल को फ्राई कर लेंगे। पहले हमने यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, मैंने यहाँ पे कद्दूकस किया हुआ लिया है, आप पेस्ट भी ले सकते हैं, फ्लेवर बराबर ही आना है उससे। इसको हल्का सा फ्राई करूँगी मैं, बहुत ज़्यादा यहाँ किसी भी सब्जी को हमें पकाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका हल्का सा मॉइस्चर हटना चाहिए, क्रंच बना रहे। प्याज डाला, धीरे धीरे करके सारी सब्जियां मैं डाल दूंगी क्योंकि मुझे सब्जियां बहुत पसंद है कि बच्चों को इसी बहाने सब्जियां मिल जाती हैं। तो ज़्यादातर मेरी जितनी भी डिशेस रेसिपीज़ रहती हैं, आप देखेंगे हम बहुत ज़्यादा वेजिटेबल ऐड करने की कोशिश करते हैं। सब्जियां ऐड रहेंगी तो वो कहीं ना कहीं हेल्दी भी हो जाती हैं बच्चों के लिए। इस तरीके से शिमला मिर्च से ले कर जितनी भी चीज़ें आपको लगता है कि आप अपने वेजिटेबल नूडल में ऐड कर सकते हैं, ऐड कर दीजिए। पत्ता गोभी, गाजर, सबको मैंने लंबे लंबे पतले पतले काट लिए थे। ये देखिए शिमला मिर्च भी ऐड किया। अब मेरे पास कलरफुल शिमला मिर्च भी थी, उसको भी मैंने येलो कलर की थी वो ऐड कर लिया है। इसका बिल्कुल भी कलर ना चेंज होने पाए इसीलिए फटाफट से नमक वगैरह डाल के इसको बस हल्का सा इसका पानी ख़त्म किया मैंने। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा सोया सॉस, ये ऐड किया सोया सॉस। साथ में मैंने डाला सोया सॉस के साथ ये रेड सॉस, फिर साथ में डाला चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस। ये सब टेस्ट को इन्हेंस करेंगे, बढ़िया चटपटी सी बनेगी। अब हम सारे नूडल्स इसमें फटाफट से ऐड कर देंगे इस तरीके से, और इसे फोक की हेल्प से, कांटे की हेल्प से मैं ऊपर से नीचे तक इसकी सारी सब्जियां इसमें मिक्स हो जाए। ये ऐसे इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें नमक डाला और हल्की सी काली मिर्च डाली ताकि ये खूब चटपटी सी हो जाए, ठीक है। अच्छे से फिर से मिक्स किया और ये देखिए खूब बढ़िया से हमारी चाउमीन बनके तैयार है, नूडल्स बनके तैयार हैं। अब इसे हम सर्व करेंगे और इन्जॉय करेंगे। ये देखिए लग रही है ना बिल्कुल मार्केट जैसी। आप भी इसी तरीके से अगर बनाते हैं तो सेम रिज़ल्ट आपको मिलेगा और टेस्ट तो सेम रहना ही रहना है जैसे कि मार्केट का होता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।